तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब यहाँ पे अनुज को ऐसा लगता है कि अनु अब उसे हेट करने लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुज को शक होता है, उसको ऐसा ऐसा फील होता है कि अनु उसे थोड़ा सा हेट कर रही है, उससे दूरियाँ बना रही है। अब उसको ऐसा होता क्योंकि भाई अनुज की भी जो हरकतें हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बेसिकली यहाँ पर अनुज भी उससे बहुत गुस्सा करता है। पहले तो मतलब उससे हेट करोगे, जब वो थोड़ा सा दूर रहेगी तो उससे भी लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है। अब यही हो रहा है अनुज के साथ में, क्योंकि अनुज ने जो पहले किया था कुछ टाइम पहले, तो वो अनु के साथ में बहुत गलत हुआ था। अब जो अनु कर रही है तो वो अनुज को देखा नहीं आ रहा, मतलब भाई अनुज भी बहुत गुस्सा है उससे। अब आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा गाइस, अनुज कहता है अनु देखो जो भी बात है उसको हम सामने बैठ कर क्लियर करेंगे, अब तुम मुझसे गुस्सा हो वो मेरे से देखा नहीं जा रहा है, तो हम साथ में बैठ के इसको अच्छे से क्लियर करेंगे जो भी बात है, तुम भी मुझे बताओ और मैं भी तुमको बताता हूँ कि हमारे बीच में हुआ क्या है। बीचों के लिए गाइस आपको कोई दिक्कत है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, बट कोई नहीं, मैनेज करना एंड यही सब ट्रैक आप सभी को देखने को मिलेंगे। और घर पे तो आप सभी को पता ही है क्या पंगा चल रहा है। बेसिकली अधिक अपनी बेटी को समझाता है कि कोई नहीं, सब घर पे अच्छे हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो हेट करते हैं। तो क्या है आपकी राय एंड क्या कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है आपको, कमेंट करना और इंटरेस्टिंग वीडियो को सब्सक्राइब करना।